हेलो एवरीवन, एक पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं आज। सहारा इतना बड़ा डेजर्ट एरिया है, 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया डेजर्टेड एरिया है, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट आल्सो। सो अ क्वेश्चन अराइज इन अराउंड लेट 1920s और समथिंग, विच आस्क्ड कि हम सहारा डेजर्ट को सोलर फार्म क्यों नहीं बना देते हैं। सहारा डेजर्ट पे वैसे भी कोई रहता नहीं है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, नो डेंस वेजिटेशन, रेनफॉल बहुत कम होता है, एंड ऑल्सो इट फॉल्स परफेक्टली इनटू द हाईएस्ट सोलर इंसोलेशन एरिया। तो फिर हम यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगा के, यहाँ पे सोलर एनर्जी को हार्नेस करके, एक तो जो फॉसिल फ्यूल की दिक्कत आ रही है उसको हम टैकल कर सकते हैं। इसके साथ ही में जो वर्ल्ड का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सारे चैलेंजेस को टैकल करा जा सकता है। एंड ऑल्सो पूरे वर्ल्ड का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे कई कई गुना ज़्यादा एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस करी जा सकती है। आइडिया लुक्स वेरी टेम्पटिंग, राइट? इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग, बट इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, इट्स नॉट दैट ईजी। अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर बताऊँ तो ये है कि इसमें जितना हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे बाई शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी, उतना ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से पूरे ग्लोब का जो टेम्परेचर सेटलमेंट है, जो टेम्परेचर रीडिस्ट्रीब्यूशन, हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात करते हैं, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो एक्सप्लेन में, सबसे पहले बात करते हैं कि सहारा डेजर्ट है क्या, कहाँ पे है, इसके जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं। ये हमारा अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारिटुआना, मोराक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान एंड टूनिशिया, इन सारी कंट्रीज़ को मिलके बनता है। लगभग 31% ऑफ अफ्रीका, विच इज़ अराउंड 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है। और अगर इसको हम सिर्फ ये माने कि लेस देन 250 mm की बारिश जहाँ जहाँ पे होती है, अगर उस एरिया को भी हम सहारा डेजर्ट का पार्ट माने, देन दिस 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विल कन्वर्ट इनटू 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ अ लॉट ऑफ एरिया। अब ये जो एरिया है, ये वर्ल्ड का लो लैटिट्यूड हॉट डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट के अंदर ये आता है, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट के अंदर ये आता है। ये लोकेटेड कहाँ है, हॉर्स लैटिट्यूड्स के अंदर, विच मीन्स कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया के अंदर आता है। यहाँ पे ऑल द टाइम हाई प्रेशर एरिया रहता है। हाई प्रेशर का मतलब है कि एयर यहाँ पे डिसेंड करती है, मतलब नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया की वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का कंडेंसेशन नहीं होगा, कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है। हाई प्रेशर एरिया है तो इसका मतलब है कि विंड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, राइट? तो इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे इंडिया में मानसून आता है, तो मानसून जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड चलती है वो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड में कन्वर्ट होकर इंडिया की तरफ भागने की, रश होने की कोशिश क्यों करती है, क्योंकि इंडिया में हमारा जो इंडस सतलज प्लेन है, यहाँ पे सतलज प्लेन पंजाब हरियाणा के पास में, वहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो लो प्रेशर हर जगह से चिल्लाता है कि मुझे हवा दो हवा दो, तो जहाँ जहाँ पे भी हाई प्रेशर है वहाँ से हवा उसकी तरफ रश करती है। तो ये हाई प्रेशर एरिया है, ये हवा बाहर की तरफ भेजती है, ये डाइवर्ज करती है, दिस इज़ अ डाइवर्जिंग पॉइंट, इस तरीके से हवा को डाइवर्ज करती है। इस वजह से यहाँ पे किसी तरह की बारिश नहीं होती, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड दूसरा रेनफॉल है नहीं तो वेजिटेशन भी जाहिर से बात है होगा नहीं, पानी की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे परमानेंटली एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स है, और ये अच्छी बात है अगर हम सोलर प्लांट यहाँ पे लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लाउड होता है तो उससे क्या सोलर इंसुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और वहाँ पे उतना हाई प्रोडक्टिविटी के अंदर सोलर लाइट आ नहीं पाती है। सो दिस इज़ द वेरी लार्ज एरिया ऑफ द सहारा डेजर्ट। तो आइडिया बड़ा टेम्पटिंग है ये कि हम यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम जो ये बैरन डेजर्ट एरिया है इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो सोलर इंसोलेशन सहारा के अंदर अगर हम करते हैं तो क्या हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या हमने सोचा है, लॉजिक क्या है? देखो, अगर हम माने कि इट हैज़ 3600 आवर्स ऑफ ब्राइट सनलाइट पर ईयर, विच इज़ लाइक 82% ऑफ द डे लाइट आवर, और अगर हम ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी जाए तो ये लगभग इट कैन गो अप टू 400 ईयर्स ऑफ द ब्राइट सनलाइट, मतलब पूरे 365 दिन के अंदर इतने घंटे की हमको सनलाइट मिलेगी। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सोलर रेडिएशन है वो कितना आ रहा है, 2800 किलोवाट पर, That means it has a huge potential for the solar energy production. तो अगर हम बोलें कि हम पूरा हम अभी
11 मिलियन की बात नहीं करते, अगर हम सिर्फ 9 मिलियन की बात करें तो हम यहाँ से इतनी एनर्जी अगर हम एवरी इंच ऑफ डेजर्ट विच इज़ सोक्ड अप टू एवरी ड्रॉप ऑफ सन्स एनर्जी अगर हम इसको सोलर लाइट के अंदर कन्वर्ट करें देन इट वुड बी मोर देन 22 बिलियन गीगावाट पर आवर अ ईयर, और ये जितनी हमको चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर अगर मानो तो ये 2000 टाइम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी देन एनी लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है कि ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी कि आपको 36 बिलियन बैरन ऑफ ऑयल पर डे से जितनी एनर्जी मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक आदमी के पास 5 बैरन ऑयल रहेगा कि वो उससे उसको बर्न करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इट मींस, और अगर सिंप्लीफाई करें तो इट मींस कि इट विल प्रोड्यूस 7000 मोर देन द व्हाट यूरोप नीड एंड दैट आल्सो विदाउट एनी कार्बन इमिशन। तो एस्टिमेटेड मतलब हमको बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर भाई आप सहारा डेजर्ट का सिर्फ 1.2% एरिया भी सोलर पैनल से कवर कर देते हो तो ही हमको कंप्लीट एनर्जी मिल जाएगी, विच इज़ दिस मच ओनली। यू सी दिस लार्ज रेड बॉक्स, ये लार्ज रेड बॉक्स के जितना अगर हम सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लगा दें तो ये इट इज़ सफिशियंट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और ये छोटा वाला स्क्वायर दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि इससे पूरे यूरोप की एनर्जी कवर अप हो जाएगी। एंड ये बिल्कुल छोटा सा डॉट जैसा जो है ये जर्मनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। तो सही है ना, मतलब दिस डजंट साउंड रॉन्ग, दिस साउंड्स परफेक्टली फाइन। और सहारन डेजर्ट में देखो अब चेंजेस क्या आएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी कुछ रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं पहले। सहारा डेजर्ट जो है ना ये लाइट कलर का ग्रे सैंड है, लाइट ग्रे सैंड के अंदर आता है, तो जो लाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम समर में हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अगर काला कपड़ा पहन लिया तो ऐसा लगता है अंदर आग लग गई हो, तो हम हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर का ये क्या करता है, सोलर जो इंसुलेशन आता है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसकी वजह से जितनी भी हीट एंड लाइट आती है ये इसको एयर में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोलर पैनल्स लगा देंगे, सोलर पैनल्स का कलर क्या होता है, ब्लैक है, ये ब्लैक कलर क्या करेगा, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा, लेकिन उसमें से अराउंड 15-20% हीट ही एनर्जी बनाने में काम आती है, बाकी जो हीट है वो आसपास में बिखर जाएगी, ग्राउंड के द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाएगी। जब ग्राउंड इस हीट को अब्जॉर्व करेगा तो और क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लैक है, नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था कि जितनी भी लाइट थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, अब वहाँ पे लाइट ग्रे सैंड से कन्वर्ट होके हमने ब्लैक कलर के सोलर पैनल्स लगा दी हैं। अब ये सोलर पैनल्स क्या कर रहे हैं, दे आर एब्जॉर्विंग द लाइट्स, और इनके लाइट एब्जॉर्व करने से जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है वो सिर्फ लोकल नहीं हो रहा है, वो रीजनल नहीं हो रहा है, वो ग्लोबल इम्पैक्ट लेके आ रहा है। इस चीज़ को समझो, जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट अगर कुछ है कि सबसे बड़ा अगर देखो जितनी हम फाइट क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए कर रहे हैं, जितनी फंडिंग हम दे रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट एन एलिनेटेड आइडिया कि हम सहारा डेजर्ट में क्यों नहीं लगा देते। एंड देर आर सम कंपनीज ऑल्सो, जैसे डेजर्ट टेक करके एक कंपनी है, इन्होंने काफ़ी सारा इसमें काफ़ी इन्वेस्ट भी करा था, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज से फंडिंग भी ली थी, लेकिन इवेंचुअली वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ और उन कंट्रीज़ ने अपनी फंडिंग वापस ले ली थी। मोरक्को के अंदर अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से उन्होंने एक अपना छोटा सा जो पोर्शन है उसको इतना पूरी सोलर प्लेट्स लगा दी उन्होंने। बट छोटे एरिया में लगाना और पूरे सहारा में लगाना और उससे क्या चेंजेस हो जाएंगे उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देर वर सम मॉडल्स ऑल्सो जिन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है उनको पुट करे, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आप 20% ऑफ सहारा को सोलर फार्म से कवर अप करते हो तो इसका मतलब है कि डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ डेजर्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा का मतलब क्या है कि देयर द एयर जो वहाँ पे हवा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम 50% ऑफ सहारा को सोलर प्लेट से कवर अप करते हैं तो वहाँ पे 2.5 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। नाउ डू यू थिंक कि जब हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं, जब हवा सर्कुलेट होती रहती है और जितना ज़्यादा यहाँ पे एयर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो हवा है वो गर्म होगी,
पूरा कॉन्सेप्ट समझना, मैंने सब लिखा है, हम ये स्लाइड जो है शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ लेना, बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये सरफेस ज़्यादा गर्म होगी, इसका मतलब है कि ये कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से अपने आसपास की जो हवा है उसको गर्म करेगी, कन्वेक्शन की वजह से मेजरली। तो कन्वेक्शन की वजह से जब ये गर्म करेगी, हवा गर्म होगी, वार्म एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। तो यहाँ पे परमानेंट हाई प्रेशर एरिया हुआ करता है ना, करंटली यहाँ पे हाई परमानेंट हाई प्रेशर एरिया है, लेकिन अब जब हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है, देन व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, अब ये कन्वर्ज कर रही है, नाउ इट इज़ आस्किंग एयर फ्रॉम अदर एरियाज, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो एयर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, आसपास में मेडिटेरेनियन सी से, अटलांटिक ओशन से जो भी हवा होगी, जो मॉइस्चर लेडन विंड होगी, वो सहारा की तरफ भागने की कोशिश करेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है। अब ये लो प्रेशर एरिया क्या करेगा, मॉइस्चर लेडन विंड आ रही है, यहाँ पे एडियाबाटिक राइज हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, अ गुड थिंग, वी वॉन्ट दैट, रेनफॉल तो होना अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये रेनफॉल जो है, ये प्रिसिपिटेशन जो है, ऐसा मानो कि एक जगह से खिसक के दूसरी जगह पर आ जाएगा। जो रेनफॉल अमेजोन पे, कॉन्गो बेसिन पे होता है, वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये एक 30% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन शिफ्टिंग हो जाएगी, नैरो बैंड ऑफ जो ट्रॉपिक के अंदर जो इक्वेटोरियल रीजन है हमारा, वहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अमेजोन रीजन है वहाँ पे ज़्यादा केसेस ऑफ ड्रॉट आएंगे, दिस इज एन एरिया ऑफ एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे ड्रॉट आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लेस मॉइस्चर अराइव होगा ओशन से। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, रेनफॉल शिफ्ट हो गया, अमेजोन एंड कॉन्गो जो हमारा इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ से ये शिफ्ट हो गया, सहारा पे चला गया है, विच इज़ देखा जाए तो गुड थिंग ऑल्सो, कि सहारा के अंदर चलो धीरे धीरे वेजिटेशन आना स्टार्ट हो जाएगी, बट इज़ दैट रियली अ गुड थिंग, जो डेंस फॉरेस्ट जिसको हम लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, वुडन दैट स्टार्ट डाइंग, एक तो ये इम्पैक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये जो हीट 1.5 डिग्री 2.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है, ये सहारा में तो रहेगा नहीं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, एवरीथिंग रीडिस्ट्रीब्यूट्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद अदर थिंग। क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चेंज हो रहा है, हाई परमानेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है वहाँ पे, तो इसकी वजह से एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो चेंज हो रहा है, जो ज़्यादा हीट है वो ओशन के द्वारा एब्जॉर्व करी जाएगी। और हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हमको कहाँ दिखाई देता है, पोलर्स पे दिखाई देता है, आर्कटिक सबसे ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, और ज़्यादा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सी आइस जो सी है, सी का थर्मल एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यू सी द पॉइंट इज कि उतना लगाने से, उतना सोलर प्लेट वहाँ लगाने से जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है कि चलो ठीक है, एट अ पॉजिटिव पॉइंट हम लोग बहुत सारा फॉसिल फ्यूल है उसका यूज़ बंद कर देंगे और हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज की तरफ भी फाइट करेंगे, लेकिन इसका मेजर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत बहुत बड़ा होगा। अगर बोला जाए तो ये कोशिश हम कर रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कि फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट नहीं करेंगे हम लोग इन उस तरह से फाइट करके हम उस प्लान में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज वाइज देखोगे तो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू राइज द टेम्परेचर। ये तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की वजह से ज़्यादा हीट वो कैप्चर कर रहा है सहारा, नहीं तो क्या हो रहा है, सहारा डेजर्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। और ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगा, पीरियोडिकली ज़्यादा रेनफॉल होगा जिसकी वजह से सहारा का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं कि चलो हमने एक डिसीजन ले भी लिया कि हम करते हैं, तो हम करेंगे कैसे इसको। इसको करने के जनरली दो टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, एक होता है रेगुलेटेड फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में क्या होता है कि आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर में इस तरीके से होता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करता है एक जगह पे, पूरा ये कॉन्सेंट्रेट होता है और उसके बाद में यहाँ से जो एनर्जी है वो क्रिएट होती है। मोरक्को के अंदर इस तरीके से एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जिसका नाम है नूर। ये इसका गोल है कि 2020 तक, अब आई थिंक ये डेटा पुराना हो गया है, कि इनका ये गोल था कि 42% तक ये कर लेंगे, और यहाँ पे इन्होंने 32% तक अचीव कर भी लिया था। अफ्रीका के अंदर ये जो टावर दिख रहा है आपको, दिस टावर, दिस इज़ 243 मीटर का टॉलेस्ट टावर है अफ्रीका के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, इसमें कभी कभी हम मोल्टन सॉल्ट को भी यूज़ लेते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है वो ये, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि
ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है और रात को जब सनलाइट नहीं होती है तब ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। तो मोरक्को के अंदर जो प्लान है वो इसी तरह का है। इसके अंदर मोल्टन सॉल्ट को, जो पिघला हुआ नमक है, इसको यूज़ लिया जाता है। सूटेबल भी बहुत है, और सहारा डेजर्ट के अंदर जो CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लाइट हमको मिलेगी। तो मोरक्को के अंदर ये जो नूर कॉम्प्लेक्स बना है, ये इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, इट्स वेरी ह्यूज। सी दिस इज़ बहुत, ये रेड डॉट दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा रेड डॉट है यहाँ पे। यहाँ पे ये बनाया गया है लगभग 3000 हेक्टर के अंदर। ये 580 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विच इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ द मराकेश विच इज़ अ सिटी। और ये मेल्टेड सॉल्ट को यूज़ करता है, ताकि ये जो मोल्टन सॉल्ट है ये हीट को स्टोर करके रखता है, उसके बाद में जब ज़रूरत होती है नाइट टाइम पे या उसके बाद में, ये क्या करता है, इट्स लाइक इट इज़ यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, तो दिस इज़ गुड। एंड सेकंड हमारा तरीका होता है फोटोवोल्टिक, जो हम रूफ टॉप देखते हैं, जो हम नॉर्मली देखते हैं घर की छतों पे, जो हम लगाते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करके हम यहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो दीज आर द टू वेज। बट एक तो मैंने आपको रीज़न बताया कि हमारा जो पूरा इम्पैक्ट है लोकल वेदर पे, ग्लोबल वेदर पे, वो चेंज हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द ओनली इम्पेडिमेंट वी हैव। इतनी सी दिक्कत नहीं है, बात बहुत बड़ी है। बात बहुत बड़ी के अंदर एक है कि ये जब पैनल्स गर्म हो जाते हैं ना, सोलर एनर्जी वाले जो पैनल्स हमने लगाए हैं, तो इनका प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाता है। इनका प्रोडक्टिविटी अराउंड 45 डिग्री तक फॉल हो जाता है। एंड सहारा इज़ अ डेजर्ट एरिया में आप देखोगे कि दिन को एक्सेसिवली गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ठंडी हो जाती है। सो जो डेली टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक दिन में अगर ये 45 डिग्री है तो रात में ये 10 डिग्री, 5 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि जो लैंड है इसका स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है, इसकी वजह से। दूसरा, यहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स बहुत आते हैं, तो इसकी वजह से बार बार वो सोलर पैनल्स जो हैं वो मिट्टी से ढक जाएंगे। उनको हटाओ, उनको हटाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी तो वैसे ही वहाँ पे है नहीं। तो एक तो ये बड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर, मतलब कंटिन्यूसली यू नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड मैन पावर टू मेंटेन द ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस के लिए लगेगा। एंड तीसरा, सहारा डेजर्ट के अंदर अगर आपको लगाना है तो पहले आपको बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के बाद इतना पैसा नहीं है। पैसा आएगा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जब पैसा देगी तो सहारा के अंदर इस चीज़ को इंस्टॉल करना, उस चीज़ को मेंटेन करना, वहाँ पे इतना मैन पावर लगाना, एक तो ये बहुत बड़ी फंडिंग है। उसके बाद में फंडिंग है कि वो जो सोलर एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करी गई है उसको यूज़ कहाँ करोगे? अफ्रीका में तो चाहिए नहीं, कितनी चाहिए होगी? हम तो बोल रहे हैं कि भाई तुम 1.2% अगर सहारा डेजर्ट का यूज़ ले लोगे तो भी तुम्हारा पूरा वर्ल्ड का एनर्जी कवर अप हो जाएगा। तो फिर क्या क्या कहाँ लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइंस ले करनी पड़ेगी, और ये ट्रांसमिशन लाइंस होगी यूरोप तक या उसके आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखो, हालांकि इसके अंदर है, जैसे नॉर्वे नीदरलैंड के बीच में जो अंडर वाटर पावर केबल्स हैं वो हैं, पॉसिबल है, लेकिन अगेन इट विल रिक्वायर ए लॉट ऑफ फंडिंग। एंड जो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो पावर ट्रांसफर करी जाती है उसके अंदर 10% पावर लॉस हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव है, और ज़्यादा ये प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव बन जाएगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ अफ्रीका, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और क्योंकि सहारा के अंदर अगर इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसका मतलब भी कि सारे सहारन जितनी भी सहारन कंट्रीज हैं इन सबको दे हैव टू कम टुगेदर। अगर कोई भी एक भी कंट्री निकल गई, अगर उसने उत्पात मचा दिया वहाँ पे, तो फिर मोस्टली ये प्रोजेक्ट में क्या है कि फंडिंग फिर वापस ले ली जाती है, जैसे कि डेजर्ट ट्रैक के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इसके अंदर चैलेंजेस हैं। देखो, दिस प्लान इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लान, बट रेदर देन गोइंग फॉर कि हम पूरे सहारा डेजर्ट को करें, इट इज़ मच मोर एडवाइज्ड बाई मेनी मेनी ऑफ साइंटिस्ट कि छोटा छोटा लो, जैसे मोरक्को ने लिया है उस तरह का छोटा पावर प्रोजेक्ट बनाओ। यहाँ पे जो बाकी सहारन कंट्रीज हैं, जो बाकी ट्रॉपिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। सो देर आर लाइक अदर ऑप्शन ऑल्सो गिवन। वेल, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि हम क्या हो सकता है इफ़ वी कवर अप द सहारा डेजर्ट विद द सोलर पैनल। ओके, सो दिस इज़ इट। What do you think? You let me know also. आपको क्या लगता है कि क्या हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा चैलेंज है जो मैंने मिस कर दिया है, इफ़ यू वॉन्ट टू मैंशन दैट, प्लीज़ मैंशन दैट, प्लीज़ शेयर योर नॉलेज। सो दिस इज़ इट। जय हिंद।